देश भर के कई ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की रेड चल रही है। अलग अलग ठिकानों पर ये रेड चल रही है। गैंगस्टर और खालिस्तान के नेटवर्क के खिलाफ ये रेड चल रही है। गैंगस्टर्स और खालिस्तानी नेटवर्क पर दर्ज 5 मामलों को लेकर ये छापेमारी चल रही है। 6 राज्यों के 100 से ज्यादा स्थान है जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। आतंक नशीले पदार्थों के तस्करों और गैंगस्टर के गठजोड़ पर एनआईए का एक्शन लगातार चल रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 100 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 6 राज्य के 100 से ज्यादा ऐसे स्थान है जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। आतंक नशीले पदार्थों के तस्करों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ पर एनआईए का ये एक्शन। 6 राज्यों के 100 से ज्यादा स्थान जहां पर एनआईए ने रेड की है। देश भर के कई राज्यों में कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। गैंगस्टर्स और खालिस्तानी नेटवर्क पर दर्ज 5 मामलों को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है एनआईए की तरफ से। 6 राज्यों के 100 से ज्यादा स्थान है जहां पर ये कार्रवाई एनआईए कर रही है। आतंक नशीले पदार्थों के तस्करों और गैंगस्टर्स के गठजोड़ पर एनआईए का एक्शन चल रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 100 से ज्यादा स्थान है जहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। मनीष शुक्ला संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, खबर मिल रही है देश भर के, चाहे वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई ऐसे राज्य, 100 से ज्यादा ठिकानों पर जहां एनआईए का छापा पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं उनमें बड़ी संख्या में रेड्स हो रही है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के वेस्ट यूपी जो इलाके हैं यहाँ पर एनआईए ने रेड डालने शुरू किए हैं। कई दिनों से हो रही थी क्योंकि लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि जो पंजाब के, हरियाणा के या यूपी के, मध्य प्रदेश के, इन इलाकों के जो क्रिमिनल्स हैं उनका गैंगस्टर्स के साथ नेटवर्क बन चुका है और इनमें से कई टेररिस्ट ग्रुप से भी जुड़ गए हैं जो लोगों को डरा रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है। और कई किलिंग जो हो रही है वो उसके लिंक जो गैंगस्टर बाहर दुनिया दूसरे देशों में बैठे देशों में वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसलिए एनआईए ने ये पहले भी केस दर्ज किया था, पहले भी रेड पारी थी, लेकिन उनको कुछ और फ्रेश इनपुट मिले जिसके आधार पर ये रेड अभी भी चल रही है जो हमें जानकारी मिल रही है। और ये माना जा रहा है कि शाम तक इसमें कोई एनआईए बड़ा खुलासा करेगी क्योंकि कई जो गैंगस्टर्स हैं और कई बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके घरों पर इस वक्त टीमें हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये जानकारी नहीं मिली है कि किन किन गैंगस्टर्स है, किन किन क्रिमिनल के घरों पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है क्योंकि थोड़ी देर पहले जस्ट इन्फॉर्मेशन आई है। अगर मनीष उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या कोई अपडेट मिल रहा है, कितने ठिकानों पर, कहां कहां पर कार्रवाई चल रही है अभी? देखिए, वेस्ट यूपी में करीब 12 से 15 लोकेशन पे ये रेड हो रही है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता है कि किस एग्जैक्टली किस डिस्ट्रिक्ट में किस एरिया में हो रही है। लेकिन हम पहले के रेट देखेंगे तो आपको ये अमरोहा, बागपत या गाजियाबाद इन जैसे इलाकों में ही एनआईए ने रेड की थी क्योंकि यहाँ से उनके ज्यादा लिंक गैंगस्टर के पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर से मिला हुआ है। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या एग्जैक्टली किस किस लोकेशन पर रेड हो रही है। ठीक है, यानी 12 से 15 ठिकाने उत्तर प्रदेश में जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। शुक्रिया आपका मनीष ये जानकारी के लिए। यूपी